हेलो फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और आज हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनेट टेंस। पास्ट इंडेफिनेट टेंस होता है क्या? पहले हम सबसे पहले ये समझते हैं कि पास्ट का मतलब क्या है। पास्ट का मतलब है बीता हुआ, और पास्ट टेंस मतलब बीता हुआ समय। अब सबसे पहले हम फॉर्मूला पढ़ेंगे। फॉर्मूला क्या है हमारा? आई वी यू दे ही शी इट नेम प्लस सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये जो हमारे आई वी यू दे रखे हैं, ये सब हमारे क्या हैं? सब्जेक्ट हैं। और सेकंड फॉर्म पता ही है वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होती है सबको। और आगे लास्ट में क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब जो सेंटेंस बचा हुआ होता है, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस होता है, उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, या अदर वर्ड्स भी कह सकते हैं हम ऑब्जेक्ट को। अब सेंटेंस देख लेते हैं फॉर्मूले के बेस पे। आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे। आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे में आई हमारा सब्जेक्ट है, वेंट हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और टू स्कूल यस्टरडे जो बचा हुआ सेंटेंस है वो है हमारा ऑब्जेक्ट, मतलब अदर वर्ड्स। अब इसमें आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे की हिंदी क्या होगी? कि मैं कल स्कूल गया था। तो इसमें गया था आ गया लास्ट में हिंदी में, तो गया था से हमें पता चल रहा है कि ये पास्ट टेंस है, और इंग्लिश में हमारी सेकेंड फॉर्म से पता चलता है कि पास्ट टेंस है। तो इंग्लिश की आइडेंटिफिकेशन हमारी सेकंड फॉर्म होती है, और हिंदी में आइडेंटिफिकेशन हमारी था, थे, थी, ऐसे होती है पास्ट टेंस की। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। दे मेट मी इन द ट्रेन। वो मुझे ट्रेन में मिले थे। मेट आ गया, सेकंड फॉर्म आ गई, मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस। थर्ड फॉर्म, थर्ड सेंटेंस मीन्स शी वॉन्टेड टू टॉक टू यू। वो तुमसे बात करना चाहती थी, चाहती थी आ गया, और वांटेड भी आ गया, मीन्स पास्ट टेंस हो गया ये। अब हम इनके सेंटेंस पढ़ लेते हैं कुछ। पहले पॉजिटिव, नेगेटिव और क्वेश्चन में डिफरेंस समझते हैं। पहले इनके फॉर्मूले देखते हैं हम। फॉर्मूलेज में क्या दिया है कि पॉजिटिव में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगा। अब सेंटेंस देखते हैं। आई स्टार्टेड। तो आई स्टार्टेड में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट था हमारे फॉर्मूले में। और सेंटेंस में क्या दिया है? सब्जेक्ट दिया है आई, स्टार्टेड वर्ब की सेकेंड फॉर्म भी दी है, लेकिन ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं दिया। तो हम ये समझते हैं पहले तो कि ऐसे भी कुछ सेंटेंस होते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं होता, लेकिन वो सेंटेंस भी करेक्ट होते हैं। जैसे ये यहाँ पे दिया है हमारा, आई स्टार्टेड, यू स्टार्टेड, ही स्टार्टेड, शी स्टार्टेड। इन सब में सब्जेक्ट नहीं है हमारा, सब्जेक्ट तो है, ऑब्जेक्ट नहीं है। तो अभी इनके नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे। इन्हीं को नेगेटिव में चेंज करने के लिए पहले फॉर्मूला पढ़ लेते हैं इनका। फॉर्मूले में क्या है? नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस डिडेंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमें फॉर्मूले में डिडेंट दिया था, डिडेंट को हम डिड नॉट भी लिख सकते हैं। क्या दिया था? सब्जेक्ट प्लस डिडेंट प्लस ऑब्जेक्ट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी थी, ऑब्जेक्ट से पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी थी। तो सब्जेक्ट तो हमारा आई हो गया, डिड नॉट हमारा फॉर्मूले के बेस पे हो गया, फर्स्ट फॉर्म हमारी स्टार्ट हो गई, और ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं दिया। ऐसी क्वेश्चन वाले का फॉर्मूला पढ़ लेते हैं हम। क्वेश्चन वाले में फॉर्मूला क्या है? डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डिड यहाँ पे हमारा पहले आ जाएगा क्योंकि क्वेश्चन वाला सेंटेंस है। तो डिड के बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ है नहीं, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है। डिड आई स्टार्ट, डिड हमारा वो हो गया फॉर्मूले के बेस पे, आई हमारा सब्जेक्ट, और स्टार्ट हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आगे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। बस अब ऐसे ही ये सेम सेंटेंसेस हैं। आई स्टार्टेड, यू स्टार्टेड, ही स्टार्टेड, शी स्टार्टेड, आई डिडेंट स्टार्ट, यू डिडेंट स्टार्ट, ही डिडेंट स्टार्ट, शी डिडेंट स्टार्ट, डिड आई स्टार्ट, डिड यू स्टार्ट, डिड ही स्टार्ट, डिड शी स्टार्ट, ऐसे ही सेंटेंसेस हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल्स हैं हमारे। ही ड्रू ब्यूटीफुल पिक्चर्स लास्ट वीक। उसने अच्छी पिक्चर्स बनाई थी लास्ट वीक, बनाई थी, ड्रू सेकंड फॉर्म आ गई। ऐसी सेकंड सेंटेंस है। यू गेव द प्रेजेंट टू योर फ्रेंड। तुमने एक तोहफा दिया था अपने फ्रेंड को, दिया था, गेव सेकंड फॉर्म आ गई। वी बॉट अ न्यू कार, बॉट आ गया सेकंड फॉर्म। ही डिड नॉट ड्रॉ ब्यूटीफुल पिक्चर्स लास्ट वीक। अभी नेगेटिव में आ गए सेंटेंस, डिड नॉट। उसके बाद नेक्स्ट है, डिड आई लर्न स्पेनिश लास्ट समर। ये हमारा इंटरोगेटिव में आ गया, मतलब क्वेश्चन वाले में। नेक्स्ट है, डिड यू गिव द प्रेजेंट टू योर फ्रेंड। ये भी क्वेश्चन वाले में है। और लास्ट, डिड वी बाय अ न्यू कार।
तो डिड वी बाय भी हमारा क्वेश्चन वाले में है। अब आप इन क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़ें कि इसमें जो वर्ब है वो हमें सिंपल ही दे रखी है, मतलब इनमें कोई सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं हुई, क्योंकि हमारे जो इंटरोगेटिव वर्ब में डिड लगा है आगे वो खुद एक सेकंड फॉर्म है डू की। ऐसी नेगेटिव में भी हम सेकंड फॉर्म वर्ब की यूज़ नहीं करते क्योंकि हमारा डिड भी एक सेकंड फॉर्म पहले से ही दे रखा है। तो एक सेंटेंसेस में कभी भी सेकंड फॉर्म दो बार यूज़ नहीं की जाती ऐसी। अब यहाँ पे सेंटेंस देखते हैं थोड़े से। आई मेट हिज वाइफ 6 years अगो, मेट हो गया सेकंड फॉर्म। दे वॉच्ड अ मूवी यस्टरडे, वॉच्ड हो गया सेकंड फॉर्म। यू वेंट टू बेड अर्ली, सेकंड फॉर्म। शी डिडंट स्टडी इन द लाइब्रेरी, डिडंट आ गया नेगेटिव वाला। दे हैड डिनर लास्ट नाइट, हैड डिनर। ये हमारा थोड़ा परफेक्ट में चला गया, लेकिन इस पर आप ज़्यादा ध्यान मत दीजिए क्योंकि हमारा सिंपल पास्ट टेंस का टॉपिक चल रहा है। तो ऐसे हमारे सेम सेंटेंसेस हैं पास्ट टेंस के कि जिसमें वर्ब हमारी सेकंड फॉर्म में दी हुई है। तो जैसे बिकेम, बॉट, स्टडीड, ग्रेजुएटेड, ये हमारी सेकंड फॉर्म होती है सारी वर्ब की। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक ख़त्म होता है आज सिंपल पास्ट टेंस का। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।